Welcome in this video. Today I am going to discuss with you learning and teaching, that is paper 3, and for this is for B.Ed. first year. In my previous videos I had discussed with you memory of level and even the meaning of teaching, characteristics, features, and here I am going to discuss what memory of levels. जब एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है किस तरह से वो बच्चों की स्मृति स्थल पर जाकर उन चीज़ों को उसका एक सेटअप बनाता है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ये आप बेटा आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि किस तरह से थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन्होंने किस तरह से जानवरों को भी इस रूटीन में बना दिया था कि जब उन्हें कोई कार्य दिया जाता था उस कार्य को करते थे और फिर उन्हें कुछ भी एज अ गिफ्ट जैसे कुछ खाने को मिलता था। थॉर्नडाइक का अगर आपको थ्योरी याद होगी तो उसमें देखिए, उसने बिल्ली को इस तरह से बना दिया था कि केज में डालकर बिल्ली को भूखा रखा और बाहर एक फिश रख दी, और केज में जैसे बिल्ली जाती थी पहले फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसे इधर उधर हाथ पैर मारने में, और एक ऐसी स्टेज आ गई कि उसने पर्टिकुलर जगह पर हाथ मारा, बाहर निकली, लैच खुला, बाहर निकली, उसने भोजन खाया और वो शांत हो गई। तो वहाँ पर थॉर्नडाइक ये कहता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, जैसे अध्यापक लोग बार बार किसी चीज़ को बताते हैं बच्चे की, वो मेमोरी लेवल तक वो चीज़ चली जाती है। स्किनर ने भी इस तरह से किया था कि एक चूहे को इस रूटीन में बना दिया था, एक इस तरह से केज बनाई कि जब चूहा एक पर्टिकुलर जगह पर हाथ मारता था उसे खाने को कुछ मिलता था। तो चूहे को भी उन्होंने इतना सिखा दिया कि उसे स्टिमुलस वेरिएशन उसमें देखिए कैसे होता है, और रिस्पांस में खाने का उसे दाना मिल रहा था, तो चूहे ने भी वो सीख लिया। पावलोव ने भी एक कुत्ते को इस तरह से उसका ऑपरेशन करके उसका स्लाइवा इकट्ठा करने शुरू कर दिया, बेल बजती थी तब भी उसका स्लाइवा आ जाता था, क्योंकि जब उसे भोजन दिया जाता था तो बेल भी बजती थी या उसकी प्लेट की आवाज़ आती थी। तो देखिए, अगर हमारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर एक हम जानवर को भी इस रूटीन में बना सकते हैं तो क्यों ना एक अध्यापक बच्चों की मेमोरी लेवल को भी अच्छा बनाए। तो मैंने आपके साथ बहुत सा बेटा प्रीवियस में डिस्कस किया था, कंडीशनिंग भी हमने डिस्कस कर लिया था, ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होते हैं एक अध्यापक के, कि जितनी भी सूचनाएँ हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली पहले वो बच्चों से ही इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके बाद बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि उनका मेंटल डिसिप्लिन रहे, जो चीज़ उन्होंने याद की है जब उसकी आवश्यकता हो तभी बच्चे उस चीज़ को प्रेजेंट करें, और जो टीचर्स क्लास में उन्हें पढ़ा रहे हैं वो चीज़ वो बहुत लंबे समय तक याद रखें, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी विषय हो। टू रिकॉल, रिकॉग्नाइज एंड रिप्रोड्यूस द मटीरियल, जो बच्चों की ज़रूरत है इमीडिएटली वो रिकॉल करें उस चीज़ को, इवन उस चीज़ को पहचाने और उस चीज़ को प्रेजेंट करें। देन नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स प्रेजेंटेशन, यहाँ पर अध्यापक किस विषय वस्तु को पढ़ा रहा है ये अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है। वो जब भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या ये आपने नोटिस किया होगा, हर टीचर का एक बेटा ऑब्जेक्टिव होता है कि हर बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें जो भी वो पढ़ा रहा है। अब टीचर किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट मैटर को, इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर टू टीचर। ये कहाँ, अगर टीचर क्वालिफाइड हैं, अगर टीचर के पास पूरा एक्सपीरियंस है, अगर टीचर वेल डिसिप्लिन है, और सबसे ज़रूरी अगर अध्यापक को अपने विषय जो वो चीज़ पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है, आप देखें बच्चों को वो चीज़ बहुत टाइम तक याद रहेगी। आई थिंक यू आर बिकमिंग अ टीचर, और आप भी इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस देंगे कि जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चों को आएगी या नहीं आएगी। तो आप जो भी कंटेंट में से आप सब्जेक्ट मैटर ले रहे हैं सबसे पहले बेटा उसके लिए अपने आप योजना बनाइए, प्री प्लानिंग कीजिए कि आप किस तरह से बच्चों को वो प्रेजेंट करेंगे, कहाँ पर आपकी टीचिंग एड्स यूज़ होंगी, क्या वो टीचिंग एड्स सूटेबल हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लास, ये सारा देखना एक टीचर की ड्यूटी है। और जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड्स का यूज़ हो जिससे बच्चा जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, इट्स डिपेंड्स अपॉन टीचर टू टीचर। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू मैथड्स यूज, यहाँ पर मेथड यूज क्या है, अध्यापन विधियाँ। आपने देखा होगा बेटा कक्षा में जो होता है जब टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है और बच्चे सारे शांत वातावरण में टीचर का लेक्चर सुनते हैं,
अब कौन सी वो मेथड को यूज़ कर रहे हैं, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि अध्यापक ने किस मेथड को यूज़ किया है जब बच्चों को वो चीज़ पढ़ा रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, शायद आपके वो मेमोरी लेवल तक वो चीज़ पहुंच चुकी है या आपने उस चीज़ को पहले कहीं सुना है तब आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पर टीचर को जो है अपने सब्जेक्ट मैटर पर यानी कि विषय केंद्रित होना चाहिए जो उनका सब्जेक्ट है। टीचर डोमिनेटिंग नेचर का है यानी कि टीचर प्रधान है, क्लास में हेड है और वो उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रहे हैं। अनसाइकोलॉजिकल समटाइम्स द एनवायरमेंट विल बी लाइक दैट अनसाइकोलॉजिकल, कई बार बच्चा कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, इट मे बी ड्यू टू टीचर्स बिहेवियर, इट मे बी ड्यू टू एनवायरमेंट। तो यहाँ देखिए जितना भी ये ऐसा माहौल बन जाता है कि बच्चे को क्लियर नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो वहाँ पर एक टीचर थ्रू ऑब्जर्वेशन ये देख सकते हैं कि बच्चा क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे, क्यों बच्चे इग्नोर कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो वहाँ पर हमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से देखना है कि जब आप पढ़ा रहे हैं आपने स्टिमुलस वेरिएशन का यूज़ करना है। आई थिंक आपको ये पता होगा स्टिमुलस वेरिएशन क्या होते हैं, तो आपने अपनी ही सीट से बैठकर ये ऑब्जर्व करना है कौन बच्चा अपनी बुक की तरफ नहीं देख रहा या ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देख रहा। इट्स योर ड्यूटी टू सी दैट, टू नोटिस दैट, और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बेटा बताना बच्चा कब याद करेगा आप जो आप सब्जेक्ट मैटर बता रहे हैं, जब आप उनको सीक्वेंस में एक क्रम अनुसार बता रहे हैं। अगर हम क्रम अनुसार नहीं बताएंगे बच्चा हर चीज़ को हौच-पौच करेगा, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका पहुंचेगा नहीं, मेमोरी लेवल तो दूर ही रह जाएगा, वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया है। तो हमें हर चीज़ को एक सीक्वेंस में लेना चाहिए, उसी के द्वारा हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर टीचिंग एड्स की ज़रूरत है, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो चाहे वो आर्ट सब्जेक्ट हो। सपोज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू रिगार्डिंग सोशल साइंस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स लाने हैं क्लास में और बच्चों को बताना है, तो आप उसका बिफोर हैंड अरेंज करेंगे और वो सब चीज़ बच्चों को बताएंगे जिससे बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। रादर हमारे यहाँ पर एक मेथड होता है टीचर जो मोस्टली मेथड यूज़ करते हैं, डेट इज़ रीडिंग मेथड, लेकिन अब ये बहुत पुराना हो चुका है। रीडिंग मेथड से क्या होगा, जो बच्चा रीड कर रहा है वो तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, बाकी सारे लोग इन्जॉय करते हैं। तो अब लेक्चर मेथड या एक्सप्लेनिंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, नंबर्स ऑफ मेथड्स आर देयर कि जो टीचर को सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो उस चीज़ को अपनाता है। और जब हम इस तरह से किसी चीज़ को बेटा अपनाएंगे, उस मेथड को देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, आप देखें बहुत अच्छा रहेगा कि वो बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वो उनके मेमोरी लेवल तक वो चीज़ जाएंगी। पढ़ाते वक्त टीचर को बीच बीच में क्वेश्चन भी पुटअप करने हैं, उनको ऑब्जर्व करना है कि बच्चा उस चीज़ को समझा या नहीं समझा, यहाँ तक कि जो टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं वो भी एक क्रिएटिव मेथड यूज़ करेंगे कि आपको बता दिया गया है अब आप अपने शब्दों में लिख कर लाइए, वेदर डैट इज़ इन इंग्लिश हिंदी व्हाट्स एवर इट इज, किसी भी विषय में है आप उन्हें कहिए आप इन्हें अपने वर्ड्स में लिख कर लाइए, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, तो बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा और आपको वो प्रेजेंट करेगा उस चीज़ को। अगर देखिए वो चीज़ तब करेगा अगर वो जो आपने समझाया था बच्चे के मेमोरी लेवल तक वो चीज़ गई है, वो तभी जाती है अगर टीचर जो है अपना एक्यूरेट मेथड यूज़ करें, टीचिंग एड्स को यूज़ करें, सब्जेक्ट मैटर यूज़ करें, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सो रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन अ फर्दर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।